ये जुगाड़ मैंने किया, आप उसके स्कर्ट्स बनवा सकते हैं। स्कर्ट्स का चांद वाली आप पहन लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमाज लाइफ एंड लिविंग, और मैं हूँ प्रतिमा। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरा जो स्कर्ट कलेक्शन है वो कैसे बना। कुछ तो मैंने साड़ियों से अपने स्कर्ट्स को बनाया है, कुछ मार्केट से भी लिया है, और किस टाइप के स्कर्ट्स आपके पास होने चाहिए ताकि आप बहुत सारे कुर्ते के साथ, क्रॉप टॉप के साथ, या फिर शॉर्ट लेंथ की कुर्ती के साथ इनको पेयर अप करके पहने और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं सारे स्कर्ट्स। इन जो स्कर्ट्स है ना, इनमें से कई स्कर्ट्स को मैं लहंगे की तरह भी यूज़ करती हूँ, और कुछ ऐसी साड़ियाँ थी जो मेरी बिल्कुल भी काम नहीं आ रही थी पहनने में, क्योंकि या तो उनका फैशन चला गया था या फिर वो कहीं से कट जाती है ना हमारी, ख़राब हो जाती है। कुछ ऐसे मेरे पास साड़ियाँ थी जिनके कलर निकलते थे या फिर थोड़ी बहुत ख़राब हो गई थी पल्लू तरफ से। कुछ ऐसी साड़ियाँ भी हैं जो शॉर्ट लेंथ की हैं, जो मैं अक्सर पहन नहीं पाती थी, तो मैंने सोचा कि उनका मैं स्कर्ट बनवा लेती हूँ, और अब ये सारे स्कर्ट्स मेरे बहुत सारे ड्रेसेस में काम आते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो में मैं शुरू करती हूँ कि कैसे कैसे मैंने अपने स्कर्ट्स का एक कलेक्शन बनाया और इनको मैं किस किस तरीके से पहनती हूँ, ये पूरा आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ ये इस स्कर्ट से, सब हैंगर के साथ ही ले आई हूँ मैं। तो देखिए, ये जो स्कर्ट है ना, ये अक्सर हम लोग इस टाइप के स्कर्ट्स गरबे में पहनते हैं और वो फिर गरबे के बाद रखे रहते हैं। तो मैंने भी गरबे के हिसाब से ये लिया था कि सिंपली कभी मैं इसे गरबे में पहन लूँगी। ये देखिए, पहले तो आप स्कर्ट देखिए, ये सारे चीज़ें ना मैंने लोकल मार्केट से ली हैं, कुछ ऑनलाइन भी ली हैं, तो अगर मुझे लिंक मिली तो मैं दे दूँगी नीचे, और अगर नहीं मिली तो आप समझ जाना कि वो साड़ी के बनाए हुए स्कर्ट होंगे, ठीक है। तो ये जो पहला स्कर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, इस टाइप से इसमें कलियाँ बनी हुई हैं, बेज कलर में और ब्लैक कलर में इसमें कलियाँ हैं, और इसमें इस तरीके से सितारे वो लगे हुए हैं, और नीचे लेस लगी हुई है सिल्वर कलर की गोटा। अगर आपके पास फ्रेंड्स इस टाइप की साड़ी है, जैसे कि दो पैटर्न में आ रही थी ना, दो प्रिंट में साड़ी आजकल आ रही है कि पल्लू वाला साइड अलग प्रिंट का रहता है और जो हम लोग सामने प्लीट्स डालते हैं वो वाला प्रिंट अलग होता है, तो दो अगर शेड में आपके पास साड़ियाँ हैं दो प्रिंट वाली, तो इस टाइप से स्कर्ट आप बना सकते हैं। एक कली काट लीजिए आप अलग प्रिंट की और एक दूसरे प्रिंट की, और उससे बढ़िया स्कर्ट बन जाएगा। और ये मार्केट में बहुत ईजिली मिल जाते हैं, तो ये आप कोई भी स्क्वायर या सर्कल शेप के बढ़िया लगा लीजिए, बहुत ही प्यारा लुक आता है। बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, अपनी जो आपकी अगर बेटियां हैं तो उनके लिए भी बना सकते हैं, या फिर आप खुद के लिए भी बना सकते हैं, और ये बहुत ही प्यारा लगता है। जब भी मैं इसे पहनती हूँ ना, अक्सर मैं इसे बेज कलर के कुर्ते के साथ पहनती हूँ, या फिर कभी कभी ऐसे ब्रिक कलर जो होता है ना उसके कुर्ते के साथ भी इसको पहनती हूँ, ये बहुत ही प्यारा लगता है। और ये गरबे के अलावा भी मेरा यूज़ हो रहा है, ऐसा नहीं कि गरबा हो गया उसके बाद पड़ा हुआ है ये स्कर्ट, तो ये स्कर्ट मेरा मोस्ट फेवरेट है। इसके बाद मैं आपको दूसरा स्कर्ट दिखाती हूँ, ये रैप्रॉन है, और इसे मैंने ऑनलाइन लिया था, जस्ट सेकंड बोलना चाहिए, हाँ इसे मैंने ऑनलाइन लिया था अमेजोन से, और ये मेरा बहुत काम आता है। देखिए इस टाइप से कभी भी घर में हम लोग केपरी वगैरह पहने रहते हैं और अचानक से नीचे वगैरह जाना पड़ता है या कोई आ जाता है डोर पे, तो मैं फटाफट इसको रैप कर लेती हूँ। तो इस टाइप से ये है, देखिए बोहो स्टाइल में है, और इसको मैं कोई भी टी शर्ट के साथ स्टाइल कर लेती हूँ, कोई भी टॉप के साथ, कई बार शॉर्ट लेंथ की कुर्ती के साथ इसको मैं स्टाइल कर लेती हूँ, ये बहुत प्यारा लगता है। और कॉटन का है, खूब धो बढ़िया, इसका कलर बिल्कुल भी नहीं निकला, मैं बताऊँ आपको। सो इस टाइप के स्कर्ट्स में आप ज़रूर इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि ये बहुत काम आते हैं। और
ऐसा चुन्नी से भी हम बना सकते हैं, जैसे हमारे पास कई चुनरी होती है ना, कॉटन की चुनरी होती है जो थोड़ा सा थिक कपड़े में होती है, उससे सिंपली आप इस टाइप से उसको कट कर लीजिए ऐसे। और इस टाइप की ना बहुत सारी साड़ियाँ भी होती हैं, कॉटन की साड़ियाँ होती हैं हमारे पास, तो उसको भी आप ये शेप में, जैसे कि ये है ना अम्ब्रेला कट, तो अम्ब्रेला कट भी दे सकते हैं या फिर ए लाइन कट दे सकते हैं, और इस टाइप से थ्रेड लगाकर आप अपने घर में भी इसको बना सकते हैं। जो भी अच्छे से स्टिचिंग कर पाते हैं वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। नेक्स्ट स्कर्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ये थी मेरी बांधनी की साड़ी जो कि मेरे बिल्कुल भी पहनने में नहीं आती थी, और शादी के टाइम मुझे मिली थी ससुराल तरफ से, तो उस टाइम तो मैंने खूब पहनी जब शादी हुई, लेकिन उसके बाद ये मैं कम पहनने लगी। उसका कारण ये है कि इसका भयंकर कलर निकलता है, जब भी मैं इसको पहनती थी ना तो मैं पूरी नीली हो जाती थी, तो मैंने सोचा कि क्या करूँ, ये है तो बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही एथनिक टाइप का लुक आता है जब इसको मैं पहनती हूँ, क्योंकि है ही वो बांधनी की साड़ी है, और इसमें इस तरीके से जो है गोल्डन गोल्डन पूरे बीट्स लगे हुए हैं। तो मैंने क्या करा, ये पूरी साड़ी एज इट इज, कुछ भी इसमें स्टाइल नहीं बताया, कोई डिजाइन नहीं बताया, सिंपल इसको ऊपर तरफ से ऐसे फोल्ड किया, इसमें डाला इलास्टिक, और अंदर से मैंने इसमें लाइनिंग लगाई। ये देखिए आप, ब्लैक कलर का ये लाइनिंग आपको दिख रहा है, ये लगाई, ऐसा मैं गोटा लेकर आ गई मार्केट से, ये गोल्डन कलर का, और बस ये मेरी पूरी साड़ी जो है मैंने अच्छी घेरदार इसका मैंने स्कर्ट बनवा लिया। ये देखिए, तो ये जुगाड़ मैंने किया। और अभी क्या होता है, जब अपन इसको वेस्ट पर पहनते हैं ना तो उतना ज्यादा कलर इसका नहीं निकलता, जबकि इस टाइप से अपन साड़ी वगैरह पहनते तो बहुत नीले नीले हो जाते हैं। तो ये मेरी बेस्ट तरीके से काम आ रही है साड़ी, इसको मैं ज्यादातर टाइम क्रॉप टॉप के साथ पहनती हूँ, बहुत प्यारा लगता है स्कर्ट। और कोई फेस्टिवल होता है ना, जैसे कुछ भी पूजा वूजा है, तो इस टाइप के स्कर्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, बढ़िया लगते हैं। तो यहाँ से हटा देती हूँ, इधर रख देती हूँ, हाँ, तब तो बहुत ही अच्छे लगते हैं जब कोई पूजा वूजा का कार्यक्रम होता है। नेक्स्ट मैं आपको ये स्कर्ट दिखाती हूँ, इसमें भी आप देखिए, ये वी कॉटन का है, रेयन कॉटन है ये, और इस टाइप से नीचे ऐसे वी वी वाला स्टाइल इसमें दिया हुआ है, मतलब कटिंग इसकी की हुई है, कली में है ये। और ये स्कर्ट मैंने लोकल मार्केट से खरीदा था बहुत टाइम पहले, आराम से इसको 8 से 10 साल हो गए होंगे, क्योंकि मैंने शादी के 5-6 साल बाद इसको लिया है। हाँ, तो इसमें ना ये देखिए आप, ऐसे ऐसे ये चमकीले चमकीले ये लगे हुए हैं सर्कल्स जैसे, है ना, और इसमें ऐसी कलियां जैसी ऊपर से कटी हुई हैं, सिंपल ये कलीदार 4-5 कलीदार वाला स्कर्ट है। और इसको ये मेरे ना अच्छी लेंथ का, एकदम फ्लोर लेंथ नहीं है हाँ, लेकिन ये नीज से काफी नीचे तक है, और ये बहुत अच्छा लगता है पहनने के बाद। और ये स्कर्ट जो है अक्सर मैं पहनती हूँ उसको शॉर्ट टॉप के साथ पहनती हूँ, या फिर थोड़ा सा जो ग्लिटरी टॉप होता है उसके साथ पहनती हूँ, और ऊपर से एक श्रग भी डाल लेती हूँ एक मीडियम लेंथ का, तो बहुत प्यारा लगता है। कई बार मैं इसको सिंपली टी शर्ट्स के साथ भी पहनती हूँ, तो भी ये बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैं इसको ज़्यादा, मैंने थोड़ा सा शिमरी जो मेरे पास टॉप है उसके साथ मैं इसको पेयर करती हूँ, ये बहुत प्यारा लगता है। इस टाइप का स्कर्ट आप बना सकते हैं, दुपट्टों से बहुत अच्छे से बनता है। नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ आपको, ये बांधनी की साड़ी थी मेरे पास, और ये बहुत ही छोटे लेंथ की थी, जब ये मैंने खरीदी थी ना ऐसी मुड़ी हुई थी, और इसको रोल प्रेस करवाया तो भी इसकी लेंथ मैंने देखा कि नहीं आ रही है मेरी लेंथ के हिसाब से, तो मैंने सोचा क्या करूं कि काम आ जाए। और ये जॉर्जेट बहुत अच्छा वाला है, सॉफ्ट जॉर्जेट है, काफ़ी महंगी भी थी ये साड़ी जब मैंने खरीदी थी, तो मैंने इसका क्या करा, स्कर्ट बनवा लिया अपने लोकल टेलर से, और सिंपली इसमें देखिए ऊपर की तरफ इस तरीके से इलास्टिक लगवा दी सिंपल कपड़े में, और मैं गई मार्केट, और मार्केट से मैंने ये गोटा खरीदा गोल्डन कलर का, ताकि ये उड़े ना, थोड़ी सी इसमें वॉल्यूम आए, और पूरी की पूरी साड़ी जो है मैंने इस तरीके से चुन्नट डाल के मैंने पूरा का पूरा एक स्कर्ट बनवा लिया। ये देखिए आप, ये तो ये पूरा का पूरा एक स्कर्ट बन गया, और इसके इसके
साथ मैं ग्रीन कलर का कुर्ता पहन लेती हूँ, शॉर्ट कुर्ता, या कई बार मैं इसके साथ जो है ना ऐसे पर्पल या वॉयलेट कलर का टॉप पहन लेती हूँ या कुर्ता पहन लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो इस टाइप की साड़ियाँ अक्सर अपन लोगों के पास होती हैं। और ये है ना एक चीज और प्रॉब्लम होती थी, जब मैं इसको एज अ साड़ी में, तो थोड़ा टाइम से मैंने साड़ी जैसा पहना उसको, जैसे तैसे पहनती थी मैं थोड़ा थोड़ा खोस कर, तो जब मैं अंदर इसको डालती थी ना, तो ये मुझे ऐसा लगता था कि कट जाएगी या फट जाएगी, क्योंकि इसको सॉफ्ट है बहुत जॉर्जेट। तो स्कर्ट्स में ना साड़ियाँ काफ़ी लंबा चल जाती हैं, तो बहुत सारी ऐसी साड़ियाँ होती हैं ना हमारे पास बांधनी की होती है, या दुपट्टे होते हैं हमारे पास इस टाइप के बांधनी के, या फिर एथनिक लुक वाले, तो आप उसके स्कर्ट्स बनवा सकते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। तो उसको आप प्लेन टॉप के साथ पहन ले, या क्रॉप टॉप के साथ पहन ले, या शॉर्ट कुर्ती के साथ पहन ले, बहुत अच्छा लुक आता है, बहुत बढ़िया लुक आता है। अक्सर मैं इनको जब नवरात्रे पड़ते हैं या फिर जब भी कोई पूजा वूजा का टाइम पड़ता है ना, तो मैं इस टाइप के स्कर्ट्स के साथ अपने पैर अप करके पहनती हूँ, बहुत अच्छा लुक आता है। और ये वाला जो स्कर्ट है और ये जो मैंने स्कर्ट दोनों दिखाया ना, इस टाइप के स्कर्ट्स के साथ चांद वाली आप पहन लीजिए, या फिर झुमकियाँ पहन लीजिए क्रॉप टॉप के साथ, बहुत प्यारा लुक आता है। हम लोग अक्सर क्या होता है, सूट पहनते रहते हैं और सूट में हम लोग कुछ वैरायटी नहीं ढूंढ पाते, तो फिर वो थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है। लेकिन कभी कोई कुर्ते के नीचे आपने ये स्कर्ट डाल लिया, या कभी कोई शॉर्ट लेंथ की कुर्ती के साथ आपने इस टाइप का स्कर्ट डाल लिया, बहुत प्यारा लगता है। और अच्छे से बड़े बड़े झुमके पहन लें या फिर बालियाँ पहन लें, उसके साथ मज़ा आ जाएगा। अब मैं जो दो आपको दिखा रही हूँ ना स्कर्ट्स, इनको मैं लहंगा की तरह भी यूज़ करती हूँ और किया है मैंने। तो ये देखिए आप, अक्सर हमारे पास इस टाइप की साड़ियाँ होती हैं। ये कपड़ा तो आई डोंट नो कौन सा कपड़ा है, थोड़ा सा सिल्क टाइप में पैटर्न में, और नीचे देखिए आप इसे गोल्डन कलर की बॉर्डर इसमें लगी हुई है, गोटा लगा हुआ है। और आपके पास है ना हमेशा रेड, ब्लैक और वाइट कलर के स्कर्ट्स या लहंगे ज़रूर होने चाहिए। वो बहुत सारे ड्रेसेस के साथ चले जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे टॉप के साथ चले जाते हैं। इसको मैं इस टॉप के साथ पहनती हूँ, ये देखिए आप, ये जो टॉप है ना, ये भी मैंने ऐसे ही सोच के बनवाया, ब्लैक है, उस पर गोल्डन गोल्डन ऐसे बूटे बने हैं, बहुत सारे स्कर्ट्स के साथ चला जाता है, जैसे कि वाइट स्कर्ट के साथ, ब्लैक स्कर्ट के साथ, बहुत ही प्यारा लगता है। और लहंगे के फॉर्मेट में भी इसे हम पहन सकते हैं, यानी कि हम इसको इंडियन स्टाइल भी दे सकते हैं और वेस्टर्न लुक भी दे सकते हैं। देखिए दोनों तरह से मैंने इसको पहना हुआ है, बनारसी दुपट्टे के साथ भी और गोल्डन दुपट्टे के साथ, बहुत ही प्यारा लगता है ये। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग लुक। अब देखिए इस टाइप की प्रिंट वाली साड़ियाँ हमारे पास रहती हैं अक्सर, और उसमें ऐसी चौड़ी सी बॉर्डर लगी रहती है। तो ये तो मैंने ऑनलाइन लिया था, लेकिन ऐसी की ऐसी साड़ी भी हमारे पास होती है, तो उसको भी आप स्कर्ट का एक लुक दे सकते हैं। बस आपको इसके अंदर लाइनिंग लगानी है और इस तरह से कली काट के इसे बना लेना है। और ये प्रिंटेड है तो इसके ऊपर प्लेन टॉप बहुत अच्छा लगता है, या फिर छोटे छोटे बूटे वाला टॉप अच्छा लगता है। तो देखिए इस टाइप के प्रिंटेड स्कर्ट्स भी आप बना सकते हैं और उसको बहुत अच्छे से जो है स्टाइल कर सकते हैं। और इसको आप ब्लाउज़ के साथ या शॉर्ट कुर्ते के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये जो एक ब्लाउज़ है ये मैंने बनवाया था एक सिंपल सा कपड़ा लेके पोल्का डॉट का, उसमें सामने से फ्रिल लगवा ली और पहनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था, तो कोई कह ही नहीं रहा था कि मैंने इसको अलग अलग जो है ना ख़रीदा है, यानी टॉप अलग बनवाया है, स्कर्ट अलग है और दुपट्टा ले लिया गोल्डन कलर का, तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। और बस ऐसे डीप ग्रीन कलर के टॉप के साथ भी आप पहन सकते हैं, बड़े बड़े कान के पहन लीजिए, झुमकी पहन लीजिए, बहुत ही प्यारा लगता है। चलिए घर में पहनने के हिसाब से बताती हूँ। तो ये है मेरे घर में पहनने वाला स्कर्ट जो मैंने दुपट्टे से बनाया, उसमें बस एक ये नीचे लेस जैसी लगा दी गोल्डन, और बस पुराना सूट तो फट गया था, दुपट्टा जो है ऐसे काम आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है, कम्फर्टेबल रहता है, कॉटन का है और कुछ भी नहीं किया है, ऊपर बस इलास्टिक लगी हुई है, सिंपल स्कर्ट है ये, लेकिन कंफर्टेबल स्कर्ट। सो आई होप कि आप लोगों को बहुत सारे आइडियाज़ मिले होंगे अपने पुरानी साड़ी दुपट्टे सबको अच्छे से फिर से नया करने के। अगर आइडियाज़ मिले हैं और ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। तो आप सभी से मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।